हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के 7 o'clock हो रहे हैं अभी, और देखिए धूप सर पे आ चुकी है। तो मैं यहाँ बालकोनी में आ गई हूँ अब क्लीनिंग करने के लिए। बाकी घर की अंदर की जो रहती है क्लीनिंग, वो सब मेरी हो चुकी है, और थोड़ी बहुत किचन के वर्क होते हैं वो भी मैं कर चुकी हूँ। और अभी आ गई हूँ मैं बालकोनी में, यहाँ भी मुझे आधा पौन घंटा लग जाता है। तो ये मैं क्लीनिंग कर रही हूँ बालकोनी की, और उसके बाद मुझे कुछ कपड़े भी धोने हैं, तो मैं उन सबको भी इकट्ठा कर रही हूँ। और ये मैं साइकिल को इधर से उधर कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ कचरे थे और मिट्टी वगैरह बच्चों ने गिरा दिया था, तो इसलिए मुझे देखना पड़ा। और ये मैं कपड़े डाल रही हूँ फटाफट मशीन में, क्योंकि बहुत सारे चादर को मैंने हटाए हुए थे। तो ये मैं कपड़े डाल के, और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ स्विच, और स्विच डाल के मैं उसके पाइप वगैरह को ठीक कर रही हूँ। तो ये पाइप वगैरह ठीक हो गए और स्विच मैंने दे दिया है। तो अभी कपड़े धुल जाएंगे, जब तक तो बस ये कपड़े मेरे धुल जाएंगे और ये एक काम मेरा पूरा हो जाएगा। और अभी मैं देख के अभी मैं वापस जा रही हूँ और अपने कामों में लगूंगी। और मेरा स्किन केयर मॉर्निंग का, ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैं पतंजलि सनड्राई फेस वॉश यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा फेस वॉश है। तो ये फेस वॉश मैं बहुत दिनों से ट्राई करती हूँ। कभी कभी तो डर लगता है कि कहीं चेंज करूँगी तो कुछ स्किन प्रॉब्लम ना हो जाए, और कभी ऐसा होता है ना कि आपके चेहरे में कुछ चीज़ें इतनी अच्छी तरह से शूट कर जाती हैं कि आप चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो ये मेरे चेहरे पे बहुत अच्छे से सूट कर गया है, और जब मैं इसको लगाती हूँ तो पूरी फ्रेशनेस नज़र आती रहती है। और तो इसे मैं चेंज नहीं की हूँ बहुत दिनों से, लगभग 5 ईयर से मैं इसे लगा रही हूँ, इसी से मैं फेस वॉश करती हूँ। फिर इसके बाद मैं थोड़ा बहुत मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, इसके ये मेरी क्लीनिंग हो गई है फेस वॉश, और ये मैं मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। मॉइस्चराइजर मैं कोई भी लगा लेती हूँ, ऐसी क्लीनिंग या क्रीम रहते हैं, और अगर नहीं कुछ रहा तो मैं वैसलीन मॉइस्चराइजर रहता है, मैं उसे सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये मेरी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन है। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैंने दिखाया कि स्किन केयर, मॉर्निंग स्किन केयर मेरा क्या रहता है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ किचन में, और किचन में अभी गर्म पानी करूँगी और उसके बाद चाय बनाऊँगी। तो चलते हैं। तो मैं गर्म पानी पीने के बाद किचन से, उसके बाद वापस मैं जल्दी जल्दी नहाई हूँ, और नहाने के बाद मैं अभी छत पे आ गई हूँ वॉकिंग करने के लिए। धूप तो सर पे आ गई थी, लेकिन फिर भी मैं छत पे आ गई थी क्योंकि पूजा के लिए मुझे कुछ फूल भी चाहिए था, तो छत पे ही फूल लगे हुए हैं, तो मैं वहीं पे चली गई और मैंने थोड़ा सा वॉकिंग किया, ज़्यादा नहीं। और फिर मैंने जो मुझे फूल तोड़ना था तो मैं फूल भी तोड़ी। और ये मैं देख सकते हैं आप कि ये बगल में गेहूं सूख रहा है। तो जिन लोगों को भी कोई भी काम रहता है, हम लोग छत पे कर लेते हैं, कोई भी चीज़ सुखाना हो या कुछ अदौड़ी वगैरह बड़ी वगैरह बनाना हो तो यहाँ पे अच्छे से बना लेते हैं। और उसके बाद मैं फटाफट किचन में आ गई हूँ, और किचन में मुझे आज वेजिटेबल में कुछ भी नहीं मिला। जो भी थोड़े बहुत सब्जियाँ घर में थी मैंने उन सबको मिला के बनाने की कोशिश की। तो बस प्याज मिर्ची और जीरा का फ़ोरन लगा के मैंने परवल, आलू और थोड़े से मेरे पास गाजर थे तो मैंने गाजर भी लास्टली मिला दिया। तो ये नमक हल्दी डाल के मैंने इन सबको फ्राई कर दिया, और फ्राई करने के बाद अच्छी तरह से फ्राई कर दिया, और फ्राई करने के बाद थोड़ा सा गाजर मुझे मिला बाद में तो मैंने गाजर भी इसमें डाल दिया। और ये देखिए मैं टमाटर डाल रही हूँ। तो बस टमाटर प्याज आप डाल दीजिए तो कोई भी सब्जी अच्छी हो जाती है। और ये मैं अभी धनिया पाउडर डाल रही हूँ, धनिया पाउडर नहीं, मैं परवल की सब्जी में जीरा का पाउडर डाल के ही बनाती हूँ, मैं धनिया का यूज़ बहुत कम करती हूँ। तो मैंने जीरा पाउडर डाल के, और ये देखिए अच्छे से फ्राई करके, और ये गाजर आपको रेड रेड दिख रहा होगा, और ये थोड़ी सी मैंने गरम मसाला डाल दी है, और गरम मसाला डाल के फिर ये इससे बन गए हैं। तो बस वेजिटेबल होने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल। तो इस तरह से आप कोई भी सब्जी मसालेदार बना सकते हैं। प्याज टमाटर देखिए अच्छे ही हो जाते हैं। और मैंने अभी दिखाया आपको कि बैंगन की भुजिया भी बनेगी, तो मैंने बैंगन को काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, और उनसे भी
बगल में फ्राई कर दिया है, तो बस बैंगन में आप नमक बाद में डालें, पहले ना डालें, नहीं तो बैंगन सारे चोखा जैसे हो जाते हैं। तो बस ये मेरी आज की टिप्स थी किचन की। तो ये देखिए मेरी खाना तैयार हो चुका है, सब्जी कितनी अच्छी लग रही है ना, रेड ग्रीन सब। और ये मेरी और ये मैंने थोड़ी सी दाल बना लिए हैं और उसको मैंने छौंका मार दिया है जीर मिर्ची से। तो जीरा मिर्ची के साथ ये मेरी दाल का भी तैयार हो चुका है, और ये ग्रीन वेजिटेबल रेड वेजिटेबल ये भी तैयार हो चुकी है, और मैंने जो बैंगन का फ्राई किया है तो वो भी तैयार है। तो बैंगन का टिप्स जो है, नमक आप बाद में डालें। तो देखिए कितने प्यारे आपकी बैंगन की भुजिया बन जाएगी। तो ये भी मेरी बैंगन की भुजिया एकदम बिल्कुल अच्छी लग रही है, अलग अलग लग रही है। तो ये मेरा लंच रेडी हो चुका है। उसके बाद मैं किचन क्लीनिंग में लगी हुई हूँ, तो ये आपको दिख रहा होगा। तो खाने के बाद मैंने सारे किचन को क्लीन कर दिया, और काउंटर के ऊपर मैंने स्टैंड है वहाँ मैं सारे खाना को रख चुकी थी, और उसके बाद ये सारे क्लीनिंग हो गए। उसके बाद हम लोगों ने खाना खा लिया। और ये क्लिप आप देख रहे होंगे कि बाबू रो रहा है और वो जिद कर रहा है, क्योंकि बच्चे सवेर से बोल रहे थे कि उन्हें बिग बाजार जाना है। तो ये बाबू सुन लिया था तो ठीक से सोया नहीं था, इसलिए और रो रहा था। तो ये अभी 3 o'clock हो चुके हैं और इन लोगों को जाना था बिग बाजार। तो बिग बाजार के लिए देखिए बाबू जा रहा है घूमने के लिए। तो सबने कहा कि बाबू कैसे जाएगा, तो ये बाबू को पहले ले जा रहे हैं घुमाने के लिए और चॉकलेट खरीद के लाए बाबू को लेके घूमने के लिए। खुश है बहुत। और ये बाबू आ गया है चॉकलेट लेके। कौन आया है? चलो हैंड वॉश करो, हैंड वॉश। और ये रही बच्चों की बिग बाजार की टूरिंग। तो ये बच्चे बिग बाजार में घूम रहे हैं और सारे का वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ये मोस्टली बच्चों के ही वीडियो आपको मिलेंगे, क्योंकि बच्चे सिर्फ अपने ही सामान के लिए गए थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं खिलौने वगैरह, बैट वगैरह सब, कितने सारे टॉयज सब हैं यहाँ पे लगे हुए। इधर पेन स्टैंड वगैरह सब है, कलर सब है। और अभी बच्चे आ गए थे घर, तो उन्हें भूख लगी थी क्योंकि बाहर अभी कुछ खाना तो है नहीं। तो बस वो घर आ गए, तो कुरकुरे वगैरह सब भी लाए थे, पर सब कुछ रखा हुआ था। तो मैंने उन्हें ब्रेड सेक के घी के साथ दे दिया नमक। तो जो भी सामान लाए थे मैंने सबको सोफे के नीचे अंदर डाल लिया था, क्योंकि बालकोनी में भी नहीं रख सकती थी। हो गई है, मैं जा रही हूँ संध्या दिखाने के लिए, और मैं और बाबू जाएंगे और बाकी बच्चे आराम करेंगे सबको ही। तो आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।